Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Exercise 8B, question number 7. Simplify. First part mein given hai 3 into x minus 4 plus 4 into x minus 3 plus 5 into x minus 2. So students, first 3 number hai usko first x ke saath multiply karenge, then hum isko minus 4 ke saath multiply karenge. 3 ko x ke saath multiply karenge, 3x minus 3 4s are 12. Then 4 ko next jo hamare paas number hai 4, usko x ke saath multiply karenge plus 4x minus 4 3s are 12. Aur last mein hamare paas hai 5 number. First of all usko x ke saath multiply karenge, 5x minus 5 2s are 10. Ab students x wali values ko separate kar lenge, 3x plus 4x plus 5x. Then hum students jo constant terms hain x ke bagair hain, jo x ke bagair terms hoti hain unko hum constant kehte hain, unko separate kar lenge. Minus 12 minus 12 again students. Aur last mein hamare paas 5 2s are 10 tha, to wo hum write karenge minus ka 10. लास्ट में इनको ऐड कर लेंगे, x में नंबर्स को ऐड करेंगे, 3 plus 4 7, 7 plus 5 12, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12x minus 12 और 12 को ऐड करेंगे 24, 24 plus 10 34, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x minus 34. तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट है सेकंड, x into a minus x plus 2x into 2a plus x plus 3x into 3a minus x. तो students first of all x को a के साथ multiply करेंगे, ax minus x को x के साथ multiply करेंगे, variable same है तो powers इनकी add हो जाएंगी, x की power 2, जिसकी power कोई भी given नहीं होती उसकी power 1 होती है, plus next है 2x, इसको first 2a के साथ multiply करेंगे, plus 4ax, 2 2s are 4ax, plus 2x को अब x के साथ multiply करेंगे, 2x की power 2, और लास्ट में हमारे पास है प्लस 3x और 3a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, 3 3s are 9 ax, और लास्ट में हमारे पास है प्लस माइनस माइनस 3x. अब वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर्स ऐड होगी, 1 प्लस 1 2. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो x स्क्वायर वाली वैल्यूज है उनको सेपरेट कर लेंगे, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास ax वाली वैल्यूज है उनको सेपरेट कर देंगे, फर्स्ट ax के साथ कोई साइन मौजूद नहीं है तो ये प्लस की वैल्यू है, प्लस ax प्लस 4ax और लास्ट में प्लस 9ax, लास्ट में इनको ऐड कर लेंगे. अब स्टूडेंट्स हमारे पास x स्क्वायर में 2 माइनस वैल्यूज हैं, माइनस x स्क्वायर इसके साथ 1 नंबर मौजूद है माइनस, अब स्टूडेंट्स 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, माइनस का 4 और प्लस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर. देन हमारे पास है ax वाली वैल्यूज. अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास ax सिंगल टर्म है उसके साथ 1 नंबर मौजूद है, इनको प्लस करेंगे, 9 plus 4 13 plus 1 14, तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया 14ax. नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, x स्क्वायर into x स्क्वायर plus ax plus a स्क्वायर minus ax into x स्क्वायर minus ax minus a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2a स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल सेम है उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की पावर 4 प्लस a, x वाले वेरिएबल्स सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की पावर 3 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, इनको सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर के साथ. नेक्स्ट है हमारे पास माइनस ax, इनको भी ब्रैकेट वैल्यूज के साथ सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस a x वेरिएबल सेम है तो x की पावर 3, उनकी पावर्स ऐड हो गई है, माइनस माइनस प्लस ax. अब स्टूडेंट्स ax वेरिएबल्स सेम है, a की पावर 1 प्लस 1, a की पावर 2, x की पावर 1 प्लस 1, x की पावर 2, माइनस माइनस प्लस. अब स्टूडेंट्स a वेरिएबल सेम है थर्ड में तो a की पावर 3x, लास्ट में हमारे पास है प्लस a स्क्वायर को फर्स्ट x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस अब 2ax को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2a की पावर 3x, और लास्ट में हमारे पास है 2a स्क्वायर. अब वेरिएबल सेम है 2a की पावर 4, उनकी वैल्यूज जो है जो उनकी पावर्स हैं उनकी पावर्स ऐड हो गई है. अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल x की पावर 4 वेरिएबल को राइट करना है. अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास प्लस ax क्यूब, एक प्लस में और एक माइनस में है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस और माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया आपस में.
अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक्स क्यूब वाली वैल्यूज है ए क्यूब एक्स वाली, उनको राइट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए की पावर 3x वाली वैल्यूज, x की पावर 4 एज इट इज प्लस a की पावर 3x प्लस 2a की पावर 3x, ये हमने राइट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाली जो वैल्यूज है उनको राइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ए स्क्वेयर वाली आएंगी, x की पावर 4 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाली थ्री टर्म्स है, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाली प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर फर्स्ट टर्म, अगेन ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर सेकेंड टर्म, और लास्ट में हमारे पास ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर थर्ड टर्म। देन हमारे पास ए की पावर जो थ्री वाली है, स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की पावर फोर वाली वैल्यूज को राइट करना है, देन आपने एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज को राइट करना है। एक्स की पावर के लिहाज से हमने राइट करना है इसमें। अब स्टूडेंट्स एक्स जो सिंगल टर्म है एक्स उनको राइट करेंगे, तो ये आ जाएगा ए की पावर 3x, ये हमारे पास x सिंगल टर्म है, प्लस 2 a की पावर 3x, और लास्ट में हमारे पास a की पावर 4 वाली वैल्यू है, तो उनको उसको एज इट इज राइट कर देंगे। लास्ट में स्टूडेंट्स इसको प्लस कर लेंगे वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा x की पावर 4। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर जो वैल्यूज हैं इनको प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाली, इसके साथ भी 1 नंबर मौजूद है, सेकंड वैल्यू के साथ भी 1 नंबर मौजूद है, और थर्ड वैल्यू के साथ भी 1 नंबर मौजूद है। इनको प्लस करेंगे तो प्लस का 3 ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, देन हमारे पास स्टूडेंट्स ए क्यूब एक्स है जो उसके साथ 1 नंबर मौजूद है, इनको प्लस कर लेंगे नंबर्स को, 1 प्लस 2 3 ए की पावर 3x, और लास्ट में हमारे पास 2 ए की पावर 4 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 ए की पावर 3x प्लस 2 a की पावर 4। स्टूडेंट्स आई एम अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स स्क्वेयर को फर्स्ट एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल सेम थे उनकी पावर ऐड हो गई है x की पावर 4, देन एक्स स्क्वेयर को ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स की पावर 3, x वाले वेरिएबल सेम थे उनकी पावर ऐड हो गई है और वो मल्टीप्लाई हो रही थी, लास्ट में हमारे पास ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट टाइम हमारे पास माइनस ए एक्स, वो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ए एक्स की पावर 3, देन माइनस ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, वेरिएबल सेम थे उनकी पावर्स ऐड हो गई हैं। लास्ट में हमारे पास माइनस ए एक्स को माइनस ए की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा ए की पावर 3x, क्योंकि ए जो वेरिएबल था वो सेम था उनकी पावर्स ऐड हो गई हैं। लास्ट में था हमारे पास ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को साथ मल्टीप्लाई किया इसको फर्स्ट, तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ गया है, 2ax को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वेयर के साथ तो 2a की पावर 3x आ गया, वेरिएबल्स a वाले सेम थे उनकी पावर ऐड हो गई है, और लास्ट में 2a स्क्वेयर को a स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई किया 2a की पावर 4। अब स्टूडेंट्स हमने x की पावर के लिहाज से वैल्यूज को राइट करना है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एक प्लस ए एक्स क्यूब था और एक माइनस ए एक्स क्यूब था, वो आपस में कैंसिल आउट हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की पावर 4 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने x की पावर 2 वाली जो वेरिएबल है उसको राइट करना है, तो हमारे पास 3 थे x की पावर 2, x की पावर के लिहाज से हमने राइट करना है, तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 3 टर्म्स थी उनको राइट कर दिया है, देन जो हमारे पास x सिंगल टर्म थी उसको राइट किया है, तो वो 2 टर्म्स थी ए क्यूब एक्स प्लस 2 ए क्यूब एक्स प्लस 2 ए की पावर 4, लास्ट में हमने वैल्यू राइट कर दिया है। तो लास्ट में हमने स्टूडेंट्स नंबर्स को ऐड कर लिया, एक्स की पावर 4 एज इट इज आ गया, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 3 टर्म्स थी तो 3 ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ गया, 2 और 1 को ऐड किया ए क्यूब एक्स में तो 3 ए क्यूब एक्स आ गया, और लास्ट में हमारे पास 2 ए की पावर 4 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल bc माइनस अब b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ab और लास्ट में हमारे पास है प्लस का c इसको फर्स्ट ऑफ ऑल a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास है प्लस माइनस माइनस c को अब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bc आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ab फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एक प्लस वाली वैल्यू है एक माइनस वाली वैल्यू है ये आपस में
कैंसिल आउट हो गए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बी सी जो वैल्यू है उसमें भी हमारे पास एक माइनस की वैल्यू है और एक प्लस की है, माइनस बी सी और प्लस बी सी ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट एक वैल्यू बच गई है ए सी, एक माइनस में और एक प्लस में है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ज़ीरो। हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, इसका आंसर आ जाएगा जीरो के इक्वल। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, जी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर, देन जी स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, देन हमारे पास एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन हम स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को माइनस जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास है प्लस का वाई स्क्वायर, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और लास्ट में प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक माइनस वाली वैल्यू है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में और एक प्लस की वैल्यू है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक एक्स स्क्वेयर माइनस में और एक प्लस में है। अब स्टूडेंट्स माइनस वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर। एक माइनस का था और एक प्लस का था, ये कैंसिल आउट हो गए, और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट वन वैल्यू बच गई है एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक प्लस में और एक माइनस में है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस में था और एक माइनस में था, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये स्टूडेंट्स इसका भी हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो के इक्वल। तो हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया जीरो। लास्ट है आपका सिक्स्थ पार्ट, ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया है, वेरिएबल सेम थे उनकी पावर ऐड हो गई है, ए की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर को आप बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, और लास्ट में हमारे पास ए स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देन हमारे पास माइनस ए बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट ए स्क्वायर के साथ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, देन हमने स्टूडेंट बी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस माइनस बी की पावर फोर, वेरिएबल सेम थे पावर ऐड हो गई हैं, और लास्ट में माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन हमने माइनस सी स्क्वायर को फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और देन हमने थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर को तो प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी की पावर फोर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक प्लस में वैल्यू है और एक माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस वाली वैल्यू थी और एक माइनस वाली वैल्यू थी, ये कैंसिल आउट होगी। देन हमारे पास स्टूडेंट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक प्लस में था और एक माइनस में था, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का था और एक माइनस का था, कैंसिल आउट हो गया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, लास्ट में हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमने लिखनी है ए की पावर फोर वाली वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा ए की पावर फोर। अब स्टूडेंट्स हमने बी की पावर फोर वाली वैल्यू को राइट करना है, माइनस बी की पावर फोर। अब स्टूडेंट हमारे पास बी की पावर फोर के बाद बी स्क्वेयर जो बी की पावर है वो राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो स्टूडेंट वो है टू वैल्यूज, माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, अगेन माइनस बी स्क्वेयर
सी स्क्वेयर, और लास्ट में हमारे पास माइनस सी की पावर 4 वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हम प्लस कर लेंगे माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर वाली वैल्यूज को, तो हमने इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, ए की पावर 4 एज इट इज़ माइनस बी की पावर 4 भी एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म है, तो इनके साथ वन वन नंबर मौजूद है, तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, नंबर्स को ऐड करेंगे, वन प्लस वन टू बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और लास्ट में हमारे पास माइनस सी की पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमने ये इसका आंसर फाइंड कर लिया है, एक्स की पावर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस टू बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस सी की पावर 4। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8B हैव बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 7 देन यू विल कमेंट मी। इफ यू लाइक माय वर्क प्लीज लाइक माय वीडियो। मे अल्लाह अलमाइटी ब्लेस यू ऑल विद हिज स्वीटेस्ट ब्लेसिंग्स। अल्लाह हाफिज़।